संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म के सिलसिले में मुंबई कोर्ट ने भेजा है समन्स। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुल कचवान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म का टीजर जब से लॉन्च हुआ है तभी से बहुत चर्चे चल रहे हैं आलिया भट्ट के कैरेक्टर को लेकर, गंगूबाई की स्टोरी बायोग्राफी को लेकर के। और मैं आपको बता दूं इसी बीच बाबू राव जी जो गंगूबाई के अडॉप्टेड बेटे हैं, उन्होंने एक डिफेमेशन सूट फाइल किया है मुंबई के कोर्ट में। और उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरीके से, जिस ढंग से गंगूबाई काठियावाड़ी का कैरेक्टर पेश किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं डिफेमेटरी है और उनके कैरेक्टर पर, गंगूबाई के कैरेक्टर पर एक तरीके की मानहानि की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंबई कोर्ट ने समन्स भेजे है, यानी पेशी के लिए बुलाया गया है 21 मई को आलिया भट्ट और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ दो जो फिल्म के राइटर्स हैं उनको भी पेशी के लिए मुंबई कोर्ट ने भेजा है समन्स। दोस्तों अब ये देखना है कि 21 मई के पहले क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है आलिया भट्ट या संजय लीला भंसाली की तरफ से। और उसी के साथ साथ आप हमें बताइए कि आपको लगा कि गंगूबाई काठियावाड़ी का जो टीजर था उसमें जिस तरीके से गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार को पेश किया गया है, या उसमें कोई भी मानहानि की गई है, क्या कुछ है आपकी राय बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चव्हाण साइनिंग ऑफ।